गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। हम लोग ऑलरेडी पार्ट वन डिस्कस किए हैं, लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट टू ऑफ जनरल नॉलेज, जो कि हमने नेशनल एंथम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फुल वर्जन जो कि 5 स्टैंजास होते हैं हम जानते हैं, जो कि हाफ वर्जन होता है, शॉर्टन वर्जन 20 सेकंड के लिए गाया जाता है और पहला और लास्ट लाइन को गाया जाता है। सो यानी 2 स्टैंजा को खाया जा मतलब गाया जाता है। उसके बाद जो कि फुल वर्जन आप नेशनल एंथम का 52 सेकंड्स आप कह सकते हो, जिनके अंदर कुल मिला के 5 स्टैंजास देख सकते हैं। जो कि नेशनल एंथम इंग्लिश वर्जन जो नेम है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, और वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। इट इज़ अडॉप्टेड इन द ईयर 1950, जनवरी 24th वॉज फर्स्ट संग 1896 में इसको गाया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया है 24th 1950 को। वंदे मातरम जो है आनंद मत से लिया गया है, खुल इसका जो ड्यूरेशन है 52-54 सेकंड्स है, नेशनल एंथम का 52 सेकंड्स है। नेशनल एनिमल जो है टाइगर, जिनको हम लोग 1972 से अडॉप्ट किया गया है, और पैंथर या टाइग्रेस इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। नेशनल बर्ड पीकॉक, जो कि 1964 से अडॉप्ट किया है प्रायर टू द नेशनल एनिमल, और इसका जो साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टाटस। नेशनल ट्री बनियान, जिसको हम लोग इंडियन फिग ट्री भी नाम भी जानते हैं, फाइकस बेंगालिनिसिस, इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों अपना नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। द टेक्निक इज यूज टू नो द एज ऑफ द ट्री इन ईयर्स, जो कि बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स, उसको काउंट करके हम लोग बता कर सकते हैं उसका एज क्या है। नेशनल फ्रूट जो कि मैंगो, मैग्निफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम अपना नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया जो है लोटस, जिसको हम नीलम्बो नूसीफेरा के नाम पे भी जानते हैं साइंटिफिक नेम। नेशनल गेम हॉकी है, जिनमें 11 प्लेयर होते हैं, और विजार्ड ऑफ हॉकी ध्यानचंद को कहते हैं। नेशनल लैंग्वेज अपना हिंदी है, और सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस जो कि इंडिया में बंगाली और तेलुगु। सो भारत रत्न जो मेडल है, वो मेडल आपको देखने को मिलता है, पीपल पत्ता देखने को मिलता है, और लाइन कैपिटल ऑफ अशोका उसके ऊपर देखने को मिलता है। अब बात आता है दोस्तों व्हील, एक व्हील भी आपको देखने को मिलता है अपोजिट साइड में, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। भारत रत्न का जो मेडल है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, उसका खुलिया भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है। नेशनल फ्लैग के अंदर सैफ्रॉन, जो कि स्ट्रेंथ एंड करेज को शो करता है, वाइट शांति के लिए, धर्मचक्र जो होता है जिसके अंदर 24 फोक होते हैं, ट्रूथ का निशानी है जो कि नेवी ब्लू कलर में देखने को मिलता है, ग्रीन फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस ऑफ द लैंड के बारे में, और जो चक्र है धर्मचक्र जो अशोका व्हील कहते हैं, और जिनके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं, वो इंडिकेट करता है कि रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जो कि वो प्रोग्रेस को निशानी इंडिकेट करता है। रेशो जो होता है लेंथ 3 मीटर अगर है, ब्रेड्थ उसका 2 मीटर रहेगा। नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय पिंगाली वेंकैया, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, जिन्होंने इस फ्लैग को बनाया। इंडियन फ्रीडम फाइटर अनफर्ल्ड द फ्लैग नोन एज सप्तर्षि अट स्टटगार्ट इन जर्मनी इन द ईयर 1907। मैडम कामा 1907 में जर्मनी में इन्होंने एक फ्लैग को अनफर्ल किया, उसको हम कहते हैं सप्तर्षि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, जर्मनी में इन्होंने किया था उस झंडे का नाम। नेशनल कैलेंडर अपना जो फॉलो करते हैं सेकायरा, जो कि किंग कनिष्क काल में देखा जाता है, 78 AD में इसको अडॉप्ट किया गया है। आवर गवर्नमेंट फॉलोड द ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ग्रिगोरियन। द फर्स्ट मंथ ऑफ सेकायरा, जो कि चैत्रा होता है, और लास्ट फाल्गुना। अपना जो एक्वेटिक एनिमल है, डॉल्फिन कह सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंस एलिमेंट कह सकते हैं, और ये गैंगेटिक रीजन में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन देखने को मिलता है इंडिया में। नेशनल हेरिटेज एनिमल जो कि एलिफेंट को कहते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते आप जानते हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में इसका पूरा उपनिषद देख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी खुद लिखा है, ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, सैम पित्रोड़ा ने अपना ऑटोबायोग्राफी दिया है,
इनको हम लोग फादर ऑफ इंडिया कंप्यूटर एंड आईटी रेवोल्यूशन के नाम पे भी जानते हैं। देखिए कहीं कहीं आप लोगों को कुछ सवाल आपको देखने को मिलता है, इस तरह का याद रख लीजिएगा। सैम पिट्रोडा, जिनको फादर ऑफ इंडिया कंप्यूटर और आईटी रेवोल्यूशन के नाम पे जानते हैं, जिन्होंने ड्रीमिंग बिग किताब खुद लिखा है, ऑटोबायोग्राफी और माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। अगला देखिए, राइटर्स ऑफ द बुक्स मेघदूत शकुंतलम, उज्जैन और रघुवंशा। कालिदास ने लिखा, ये संस्कृत लैंग्वेज में इसकी पूरी कथा है, आप देख सकते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कालिदास को। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि जी। महाभारत वेदव्यास। और अब बात आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज टू गेट हीट, मैकेनिकल वर्क एंड लाइट। कुछ कुछ बीच बीच में आपको हम लोग इकट्ठा करते वक्त ऐसे सवाल आपको देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग हीट भी, मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं और लाइट भी ले सकते हैं। सॉब्रिक्वेट्स प्लेसेस के बारे में देखा जाए, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सॉब्रिक्वेट्स ऑफ द प्लेसेस क्या क्या है, बस अपना सीट बेल्ट बांध लो। लैंड ऑफ लिलीज किसको कहते हैं? कैनेडा को कहते हैं दोस्तों। अब नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आइलैंड ऑफ क्लोज जंजिबार को कहते हैं। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन हम बिस्मार्क को कहते हैं। द नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक हम विनिस सिटी को हम लोग बुलाते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामिट्स प्लैट को कहते हैं। और वर्ल्ड्स ब्रेड एंड बास्केट प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं। मेड ऑफ ऑर्लैंड्स जॉन ऑफ आर्क को कहते हैं। बोस्टन ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम लोग अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, जिनको हम लोग बोस्टन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है। अबोड ऑफ द गॉड संगम सिटी, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। देखिएगा तीन तीन नाम है, संगम सिटी जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, अबोड ऑफ द गॉड सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जहाँ से काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलता है, अलाहाबाद से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आज के टाइम पर राम मंदिर बन रहा है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड जो कि आसनसोल, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे कोल ज़्यादा देखने को मिलता है और लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम पे जानता है। रॉयल हेरिटेज सिटी बर्धमान वेस्ट बंगाल में है। और सिटी ऑफ पीस जो कि बर्धमान को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, पेंशनर्स पैराडाइज, स्पेस सिटी, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सब बेंगलुरु को कहते हैं। देखिएगा कितने नाम आ गए, सब अलग अलग सवाल है। ब्लू माउंटेंस नीलगिरी को कहते हैं। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भागलपुर, जो कि बिहार में है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया या डिट्रॉयट ऑफ एशिया कहते हैं। ऑटो हब ऑफ इंडिया कहते हैं। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए कितने पांच नाम आ गए इधर ही, तो ये सब चेन्नई को हम लोग कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल को कहते हैं। मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर ओडिशा को। द सिटी ब्यूटिफुल चंडीगढ़, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन किया, उस डिज़ाइनर का नाम मुझे बताइएगा। टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बतूर को कहते हैं। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कूर्ग को कहते हैं। द क्वीन ऑफ द हिल्स दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसको कहते हैं। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहते हैं, और झारखंड में आप देख सकते हो। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट हम शिलांग को कहते हैं, जो कि मेघालय का कैपिटल है दोस्तों। टी सिटी ऑफ इंडिया हम लोग दिब्रुगढ़ यानी असम को हम लोग कह सकते हैं। देखिएगा हर चीज़ जो कि सॉब्रिक्वेट्स, चाहे इंसान का हो चाहे प्लेस का हो, हर चीज़ का आपको पता होना ज़रूरी है। रूर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इको पोलाइट सिटी, ये आप गांधीनगर गुजरात में है, जिनको हम इको पोलाइट सिटी के नाम पे जानते हैं। गेटवे ऑफ मध्य प्रदेश सिटी ऑफ सिंधिया, हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ग्वालियर सिटी को जानते हैं, जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश में देख सकते हो। किंग ऑफ द सिटी ऑफ किंग्स, जो कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर को कहते हैं। देखिएगा जिस सिटी ऑफ किंग्स साथ साथ जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर को कहते हैं। सिटी ऑफ नाइजाम्स या हाईटेक सिटी, सिटी ऑफ पर्ल्स,
और हिस्टोरिकली उन्होंने एज पर्ल एंड डायमंड ट्रेडिंग सेंटर जो कि इंडिया में हैदराबाद में आप देख सकते हो आज भी इस तरह का ट्रेडिंग होता है पर्ल्स का। और ये है हैदराबाद को सिटी ऑफ नाइजाम्स के साथ साथ हाईटेक सिटी एंड सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम पे जाना जाता है। पिंक सिटी पेरिस ऑफ इंडिया हम लोग जयपुर को कहते हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को कहते हैं जहाँ पे मलबार कोस्ट में काफ़ी स्पाइसेस देखने को मिलता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर को कहते हैं, राजस्थान में है। सिटी स्टील सिटी ऑफ इंडिया हम लोग पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पे हैं, जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप लोग लेदर देखने को मिलता है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं, नॉर्थ इंडिया यहाँ पे आ गया जो कि कानपुर को, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं आप मुझे बताइएगा। बंगाल सैरो रिवर दामोदर को बुलाते हैं। कल्चरल सिटी जो कि राजमंड्री आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश में काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है। द प्लेस ऑफ विक्टरी विजयवाड़ा को कहते हैं। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया और टेक्सटाइल ऑफ इंडिया हम लोग सूरत को कहते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है। ब्लू सिटी जो कि जोधपुर राजस्थान को कहते हैं, वहीं हम लोग सन सिटी भी उसी को कहते हैं। विनीस ऑफ द ईस्ट उदयपुर को कहते हैं और एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया और गॉड्स ओन लैंड तिरुवनंतपुरम हम लोग आराम से देख सकते हैं। इसमें एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया या गॉड्स ओन लैंड जो कि तिरुवनंतपुरम को जाना जाता है। सिटी ऑफ वीवर्स जो कि सिटी ऑफ हैंडलूम्स वो है पानीपत हरियाणा। सिटी ऑफ रैलीज सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में होता है। ऑरेंज सिटी नागपुर तो वहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल भी होता है। ग्रीन सिटी मैसूर को कहते हैं। गार्डन सिटी बेंगलुरु, यहाँ ग्रीन सिटी बोला जा रहा है। सन सिटी जो है जोधपुर राजस्थान को हम लोग कह सकते हैं। और सिटी एंड फाउंडर न्यूजीलैंड का, सॉरी यहाँ पे फाउंडर नहीं होता, और कौन सा नेशन है एक्चुअली, यहाँ पे कौन सा देश का कौन सा नेशनल गेम है, न्यूजीलैंड का रग्बी है दोस्तों, टेबल टेनिस का नेशनल गेम चाइना, और इंडिया का हॉकी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, यूएसए का बेसबॉल। यहाँ सिटी एंड फाउंडर तो बाद में आएगा। और बात आता है कोरिया का ताइक्वांडो है, कनाडा का जो नेशनल गेम है आइस हॉकी, जापान का सुमो एंड रेसलिंग, यूएसए का बेसबॉल होता है, इंग्लैंड का क्रिकेट है आप जानते हैं। सिटी एंड फाउंडर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसलमेर सिटी का फाउंडर बती जयसवाल, फतेहपुर सिकरी का अकबर द ग्रेट जिन्होंने बुलंद दरवाज़ा वहाँ बनाया गया है, फिरोज़ाबाद फिरोज शाह तुगलक, अमृतसर गुरु रामदास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गुरु रामदास कौन सा नंबर का गुरु है, शाहजहाँबाद शाहजहाँ ने, गुजरात मुजफ्फर शाह, कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बनाया, श्रीनगर अशोक द ग्रेट, इंदौर मलार राव हेलकर, भोपाल राजा भोज, तुगलकाबाद जियासुद्दीन तुगलक, अवध जो कि शहादत खान, ये कुछ लोग हैं। और यहाँ देखिएगा राजगृह बिंबिसारा ने, अब बिंदुसारा और बिंबिसारा में आपको पता होनी ज़रूरी है, बिंदुसारा अशोक का पापा थे, बिंबिसारा अजात शत्रु का पापा, कावेरीपट्टनम करिकाला किंग्स जो भी थे, दिल्ली तोमर्स और आनंगपाल के नाम पे भी जाना जाता है, आगरा जो है सिकंदर लोडी इन्होंने फाउंड किया है, लखनऊ लक्ष्मण जी ने, चेन्नई जो है फ्रेंकोइस डी जिन्होंने चेन्नई को फोन किया है, स्थापना की, उदयपुर राणा उदय सिंह, हैदराबाद कुतुब कुली शाह जो कि चारमीनार को कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने हैदराबाद को फॉर्मेशन किया है, पाटलिपुत्र उदयान, जयपुर सवाई जय सिंह, अजमेर अजयपाल, अहमदाबाद जो है अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद की स्थापना की, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान, और पटना शेरशाह सूरी, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिटी एंड फाउंडर भी याद रखिएगा, हर चीज़ आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अब सॉब्रिक्वेट्स ऑफ द पर्सन्स, सेंट ऑफ गटर्स किसको बोला जाता है, मदर तेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स के नाम पे जाना जाते हैं। ब्लैक पर्ल जो कि फुटबॉल प्लेयर है पेले को कहते हैं। गैंगटक जो है कैपिटल ऑफ सिक्किम जो कि माउंटेन स्टेट के नाम पे भी जाना जाते हैं। विराट कोहली को चीकू, तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, कपिल हरियाणा हरिकेन, एम एस धोनी कैप्टन पीस एंड कूल, अली पटौड़ी टाइगर के नाम पे, डिपेंडेबल द वॉल द्रविड़,
अजित वाडेकर सौरव गंगुली यहाँ पे, सौरव गंगुली को बंगाल टाइगर के नाम पे, सुनील गवास्कर लिटिल मास्टर, विश्वनाथन आनंद चेस टी नॉर्मली हिल स्लोप्स में, वहाँ पे स्टेप फार्मिंग होता है असम में देख सकते हो। और लोकसभा का जो प्रेसिडेंट ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व, लोकसभा का टेन्यूर जो है 5 साल के लिए होता है और प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस के निकाल सकते हैं। और आई एम ए जो है उत्तराखंड यानी देहरादून में है, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला में है, पुणे में है, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी जो कि हैदराबाद में मेदक डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं, तेलंगाना में चारमीनार जो कि गोलकुंडा और वहाँ पे हुसैन सागर बिरला मंदिर ये सब हैदराबाद में है, इंडियन नेशनल आर्मी आप इंडियन नेवल अकेडमी ये पायनूर कन्नूर केरला में है। किसको आयरन लेडी ऑफ इंग्लैंड के नाम पे जाना जाता है, मार्गरेट थाचर को इस हिसाब से बुलाया जाता है। फ्लाइंग सिख किसको नाम दिया गया है, मिल्खा सिंह को जो कि एथलेट है, पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस, कपिल देव हरियाणा हरिकेन, द क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर को बुलाया जाता है। पुरच्छी तलेवा जयललिता को इस तरह का नाम दिया गया है, पुरच्छी तलेवा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को, क्वींसबेरी रूल आपको कहाँ देखने को मिलता है, बॉक्सिंग के अंदर क्वींसबेरी रूल देखने को मिलता है। अगला देखिए, अमर सिंह सोखी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन साइकिलिंग, साइकिलिंग अच्छा कर लेता है अमर सिंह सोखी। और कमलेश मेहता इज़ एसोसिएटेड विद द टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। और ट्रिपिंग जो है आप लोग फुटबॉल में देख सकते हो, मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल जो कि कलकत्ता को कहते हैं, ड्रिबलिंग आप बेसबॉल के अंदर देख सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पेरिक डी कुबर्टिन को कहते हैं। एब्जोम इज़ एसोसिएटेड विद द हॉर्स राइडिंग, ये हॉर्स राइडिंग में आप लोग एब्जोम साथ साथ जॉकी भी देखने को मिलता है। अब देखिएगा न्यूक्लियर स्टेशंस, पहला न्यूक्लियर प्लांट जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है तारापुर में है दोस्तों, बार्क जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्रॉम्बे में देख सकते हो मुंबई में है, और 3 जनवरी 1954 में इसका सेटअप किया गया था और होमी जहांगीर बाबा। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में है, लोकसभा टेम्प्रेरी बॉडी है और जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल और पीपल्स हाउस के नाम पर जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बैठते हैं, वो चेयरमैन ऑफ लोकसभा कह सकते हैं। कुल मिला के 545 लोग होते हैं, 2 लोग एंग्लो इंडियंस होते हैं जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। अब ये इंडो ब्रिटिश सिटीजनशिप देखने को मिलता है इन दोनों को, जिसको प्रेसिडेंट्स हाउस कहते हैं राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम पंचवती के नाम पे जाना जाता है दिल्ली में। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड का जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैन रीजनरेट इट्स टेल, जो कि लिजर्ड यानी छिपकली वो आप देख सकते हो, वो दोबारा रीजनरेट करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत को जाना जाता है, हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी परमवीर चक्र अवार्ड जो कि आप देख सकते हो ब्रेवरी का। टू शो द टेम्परेचर इन थर्मामीटर मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है, द डिवाइस इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, सो जनरेटर को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एपिल है दोस्तों, IRS जो कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है अब्रिवेशन, इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड मैक्सिमम बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज कंपेयर टू डिफॉरेस्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखने को मिलता है। कार्बन डेटिंग मेथड इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉसिल एंड द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल ऑफ होमोनालेडी, होमोनालेडी का डिस्कवरी से हम लोगों को आसानी से पता चल गया, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन का इस टेक्निक जो है वो कार्बन डेटिंग मेथड होता है। होमोसेपियन जिसको हम रेस है, ये होमोसेपियन फुल नेम जो है होमोसेपियंस सेपियंस, आपसे पूछा जाएगा होमोसेपियंस का फुल फॉर्म जो कि होमोसेपियंस सेपियंस है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, रामापिथिकस शिवालिक हिल्स में देखने को मिलता है। एरिथ्रोसाइट्स RBCs रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, 100 से लेके 120 दिन लाइफ टाइम है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली को। द ऑर्गेनेली फाउंड इन द प्लांट बट नॉट इन एनिमल सेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, साथ में सेल वॉल भी अलग करता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। और विच पार्ट ऑफ द लिम्ब अफेक्ट्स पोलियो, जो कि पोलियो से लिम्ब्स अफेक्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल मूवमेंट होता है, प्लांट में नहीं होता है।
एनिमल में होता है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि हवा में 78.09% देखने को मिलता है। ऑक्सीजन जो है बर्न के लिए हेल्प करता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोटेक्ट करना चाहिए हम लोग। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आप मेघालय सॉरी मध्य प्रदेश में देख सकते हो, और इसका जो कैपिटल है भोपाल है। धुआंधार वाटरफॉल्स आप जबलपुर में देख सकते हैं। चिपको मूवमेंट जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, नॉट टू कट द ट्रीज, उसको चिपकने के लिए। और बर्थ कैनाल इज़ द नेम गिवन टू द वेगीना। और दूधसागर वाटरफॉल जो है आप गोवा में देख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि रिएक्टेंट्स मेन रोल प्ले करता है, और कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज कॉज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट मेन रीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। जो भी इस ऑप्शन में है आप देख लीजिएगा। और अगला देखिए, इसमें ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स क्या क्या है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन, ये सब चीज़ें जो है आप ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स के नाम पे जाना जाते हैं। इन्फ्रारेड रेज मूव्स अप एंड कम बैक बाय रिफ्लेक्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ, देन द अर्थ बिकम्स वार्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये इन्फ्रारेड रेज काफ़ी असर करता है ग्लोबल वार्मिंग में। मैक्सिमम पोटेंट ग्रीन हाउस गैस जो कि वाटर वेपर होता है सबसे ज़्यादा। मीथेन जो है एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम पे भी जानते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। C4H10 एक फ्यूल है दोस्तों, ये क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पोस्ट रिएक्टिंग विद द मेटल्स, मेटल्स रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब यूनियन टेरेटरीज, इनमें से कुछ हमसे अपडेट नहीं थे, डोंट वरी यू गो थ्रू दिस, जो कि यूनियन टेरेटरीज चंडीगढ़ सिटी, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, सिलवसा, लक्षद्वीप, अरेबियन सी में आप देखने को मिलता है, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पोर्ट प्लेयर जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और रिसेंटली लद्दाख भी बन गया, चेक कर लीजिए, ले इज़ द कैपिटल फॉर द लद्दाख। और जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्टेट था, आज के टाइम पर वो बन गया क्या, यूनियन टेरेटरी। ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम बाबा साहब के नाम पे भी जानते हैं। कोट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन ने बोला था। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है असेंबली में, और इट केम इनटू फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में, और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। कीना, सप्तुरा, सतपुरा हम पंचमरी को कहते हैं। और पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरण यानी राजस्थान की जगह में हुआ था 18 मई 1974 में हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियर अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट के नाम पे जाना जाता है। उस जो भी वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था इस पोखरण का, उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। पिंक सिटी जयपुर के कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहते हैं, जो कि राजस्थान में है। अब बात आता है थार डेजर्ट, जो कि डेजर्ट राजस्थान में है। कैपिटल सिटी एंड कंट्रीज़ के नाम पे देखिएगा कौन सा कैपिटल है, और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट हमने देने की कोशिश की है। मां नेफिदिया इज़ द कैपिटल ऑफ नेफिदिया, देख लीजिएगा, मां नेफिदिया इज़ द कैपिटल ऑफ नेफिदिया देश का। डेनमार्क का जो कैपिटल कोपेनहेगन, आयरलैंड डुबलिन, आइसलैंड का रेजगोइक, ऑस्ट्रिया का वियन्ना, इथियोपिया अडिस अबाबा, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऑस्ट्रिया का वियन्ना, और साथ में स्मॉलेस्ट सिटी नेशन जिसको हम कहते हैं वैटिकन सिटी, उसको हम होली सी के नाम पे भी जानते हैं। काफ़ी कम पॉपुलेशन देखने को मिलता है। लोटस टेम्पल ऑफ सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा। इंडियन लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है वो बहाइस टेम्पल है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर में आप देख सकते हो, क्रिकेट का स्टेडियम है। वांकड़े डीवाई पाटिल स्टेडियम जो कि नवी मुंबई में है, ये मुंबई में है। चिन्नस्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में, बेंगलुरु में है। एडन गार्डन जो है कोलकाता में है। वीर नारायण सिंह स्टेडियम आप रायपुर छत्तीसगढ़ में देख सकते हो। फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में देख सकते हो। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि त्रिवेंद्रम में है, आज के टाइम पे तिरुवनंतपुरम के नाम पे जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है
न्यू दिल्ली में है, ये एथलेटिक्स के लिए काफ़ी फेमस है। अगर वो क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ है तो आपको कोच्ची में है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्रिकेट का है। चारमीनार जो कि हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनाया है 1591 में। सो सेंटर ऑफ द सिटी में आप देख सकते हो, कमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ द प्लेग हुआ था उस टाइम पे, दैट वाज वाइड स्प्रेड 1591 में, वो इरेडिकेट होने के लिए ऐसे ये लोग चारमीनार बनाए थे। मक्का मस्जिद आप देख सकते हो जहाँ मक्का मस्जिद हैदराबाद वाज कंप्लीटेड बाय औरंगजेब, स्टार्टेड इन 1614, हाउएवर इट वाज नॉट कंप्लीटेड अंटिल 1693 बाय औरंगजेब फॉर द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 20,000। यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे भी मस्जिद है जिसमें 20,000 लोग तक बैठ सकते हैं। हैदराबाद इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, इट्स आल्सो नोन एज सिटी ऑफ पर्ल्स एज वंस इट वाज, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्ल्स का ट्रेडिंग आज भी वहाँ पे होता है। सो ओनली ग्लोबल सेंटर ऑफ लार्ज डायमंड एंड नेचुरल पर्ल्स मेड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड और पर्ल्स देखने को मिलता था। करेंसी एंड कैपिटल ऑफ नेशंस, जो कि करेंसी ऑफ मलेशिया रिंगित को कहते हैं और थाईलैंड का बात है दोस्तों। सो यहाँ पे करेंसी एंड कैपिटल ऑफ नेशंस देखिए, साथ में उनका क्या क्या करेंसीज है। फिलिपाइन का फिलिपाइन पेजो होता है, ब्राज़ील ब्राज़ीलियन रियाल है, बांग्लादेश का ढाका इज़ द कैपिटल, ढाका इज़ द करेंसी, श्रीलंकन सिलोन पहले कहते थे, श्रीलंकन रुपी होता है, चाइना यान कहते थे, आज के टाइम पे वो रिनमिन भी हो गया। चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, आपसे पूछा जाएगा चाइना का करेंसी क्या है। अर्जेंटीना जो कि पैसों के नाम पे जाना जाता है, पाकिस्तान आज के टाइम पे रुपी, वहाँ के पाकिस्तान रुपी है, भूटान का कैपिटल थिम्पू रुपी है वहाँ पे, मॉरिशस पोर्ट लुइस कैपिटल है और रुपी है, नेपाल काठमांडू और वहाँ का रुपी है, कुवैत कुवैत सिटी इज़ द कैपिटल, दिनार है वहाँ का करेंसी, लीबिया ट्रिपोली होता है, दिनार इज़ द करेंसी, यूगोस्लोविया उसका करेंसी दिनार है और बेलग्रेड इज़ द कैपिटल, फिजी जो है सुवा इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी, डॉलर इज़ द डॉलर देखिएगा आप, जमैका किंगस्टन आज के टाइम पे किंगस्टन इज़ द कैपिटल ऑफ जमैका, वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। सो यहाँ हर जगह डॉलर देखा जाता है। बेल्जियम जो कि यहाँ पेरिस दिया गया है, बेल्जियम वहाँ पे यूरो देख सकते हो, रवांडा किगाली, स्विट्ज़रलैंड बर्ने फ्रैंक, लक्समबर्ग लक्समबर्ग यूरो इज़ द करेंसी, साइप्रस निकोसिया यूरो इज़ द करेंसी, आयरलैंड डुबलिन इज़ द कैपिटल एंड यूरो इज़ द करेंसी, कोलंबिया बोगोटा इज़ द कैपिटल एंड पेसो, क्यूबा हवाना इज़ द पेसो इज़ द वन, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन इज़ द करेंसी, फिनलैंड हेलसिंगी यूरोप जो यूरो इज़ द करेंसी, हंगेरी उसका जो कैपिटल है यहाँ पे बुडापेस्ट और फोरिंट इज़ द करेंसी, इसराइल जेरूसलम शेकेल आप देख सकते हैं, केन्या नैरोबी शिल्लिंग इज़ द राइट आंसर, ओमान जो है मस्कट इज़ द कैपिटल और रियाल यू कैन सी द करेंसी ओवर देयर। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। साउथ कोरिया जो कि सियोल वन इज़ द सियोल इज़ द कैपिटल साउथ कोरिया का, वन इज़ द करेंसी, नॉर्थ कोरिया का जो है पैनगियांग जो कि वन इज़ द करेंसी, मोराको रबाक इज़ द कैपिटल एंड दिराम इज़ द करेंसी, पोलैंड वार्सवा एंड ज्लोटी इज़ द करेंसी, पोर्चुगल लिस्बॉन एंड यूरो इज़ द करेंसी, इटली का जो कैपिटल है रोम है और यूरो इज़ द करेंसी, माल्टा जो है वेलेटा इज़ द कैपिटल एंड यूरो इज़ द करेंसी, नेदरलैंड्स एम्स्टरडम इज़ द कैपिटल एंड यूरो इज़ द करेंसी, स्पेन माद्रिद होता है और स्लोवेनिया लुजबिजाना। सो देख लीजिएगा जो भी दिया गया है इस तरह का करेंसीज एंड कैपिटल आपको याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स, होली रिवर गंगा यमुना सरस्वती एंड लोकेटेड विच इज़ इन अलाहाबाद, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो कि इंडिया में आप देख सकते हैं गंगा, और सेकंड लार्जेस्ट देख सकते हो गोदावरी, और थर्ड नर्मदा टेक्स प्लेस। सो ये होली रिवर्स है दोस्तों जो कि अलाहाबाद में संगम होता है, और इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर जो कि गंगा है, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से देखने को मिलता है। गंगा रिवर फ्लोस थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश में, इनको पद्मा के नाम पे जाना जाता है। गंगा पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड यानी हरिद्वार बद्रीनाथ से निकल के, और ये जो सिटी है वहाँ पे देखने को मिलता है इसकी तट पर। उत्तर प्रदेश में जैसे कि वाराणसी कानपुर से निकलता है, बिहार
का जो उस पाटना इज़ द कैपिटल और झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू निकलता है। यमुना रिवर जो कि यमुनोत्री से निकलता है, ऑरिजिनेट होता है एंड पासेस थ्रू उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल एंड दिल्ली। और आगरा जो है उसका जो रिवर बैंक कह सकते हैं, सटलेज रिवर पासेस थ्रू द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड पासेस थ्रू द हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब जो कि फिरोजपुर एंड लुधियाना से निकलता है। ब्रह्मपुत्र जो कि सैंगपो के नाम भी बुलाया जाता है टिबेट में, दैट रिवर फ्लोस थ्रू टिबेट, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, पासेस थ्रू द अरुणाचल प्रदेश एंड असम जो कि डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी इज़ द उसका रिवर बैंक पे देख सकते हो सिटीज़। महानदी इज़ द मेजर रिवर इन द सेंट्रल इंडिया, इट फ्लोस ऑफ द स्टेट्स छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, दैट इज़ कटक एंड संबलपुर, जो कि आप वहाँ पे उसके रिवर बैंक पे देख सकते हैं। अगला देखिए गोमती रिवर, जिसको हम पहले गोमती का नाम पे जाना जाता था, एक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर जो पास करता है लखनऊ के थ्रू, और नर्मदा जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में आप देखने को मिलता है और अमरकंटक से ऑरिजिनेट होता है, मूसी रिवर जो कि हैदराबाद में देखने को मिलता है, कोलकाता जो है हुगली नदी के ऊपर है वहाँ पे हावड़ा ब्रिज भी देख सकते हो। इट फ्लोस थ्रू द उत्तर प्रदेश जो कि लखनऊ एंड जौनपुर एंड मीट्स द गंगा रिवर नियर सैदपुर, कैथी एंड वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं। सरयू रिवर जो है इज़ अ रिवर पासेस थ्रू द फैज़ाबाद सिटी एंड अयोध्या में आप देख सकते हो सरयू रिवर का, और अयोध्या सिटी सरयू रिवर के तट पर है। कावेरी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तल कावेरी कोडगु से, कर्नाटक से ऑरिजिनेट होता है, तमिलनाडु एंड केरल में आप देख सकते हो, श्रीरंगपट्टनम थ्रू निकलता है। पंजाब यानी द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, जिनके अंदर झीलम, चीनाब, रावी, सटलेज एंड ब्यास, ये पूरा रिवर्स का मिलन है ये पंजाब, और ये सटलेज के तट पर लुधियाना, फिरोजपुर देख सकते हो, रावी लाहौर के ऊपर देख सकते हो वहाँ पे। स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस फाउंड इन माउंटेन रीजन्स, जिसको हम ग्लेशियर्स के नाम पे जाना जाता है, नर्मदा एंड तप्ती जो है सूरज से तप्ती निकलता है, रिवर फ्लोस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो कि अरेबियन समुंदर में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा और तप्ती। नासिक जो कि महाराष्ट्र में सिचुएट ऑन द रिवर गोदावरी के नदी के तट पर आप नासिक शहर देख सकते हो। मांडवी रिवर पानाजी यानी गोवा में देख सकते हो, कुंभ मेला हर 12 साल में अलाहाबाद में होता है। माउंटेन रेंजेस के बारे में देख पूछा गया है, दे क्लासिफाइड इनटू टिबेटन हिमाद्री जो कि इनर पोर्शन को कहते हैं और हायर भी है, हिमाचल जो कि लोअर पोर्शन को कहते हैं, शिवालिक जो कि आउटर पोर्शन को कहते हैं। ये आपको पता होनी ज़रूरी है इनर कौन सा है, लोअर कौन सा और आउटर पोर्शन कौन सा है। काराकोरम जिनको हम अबोड ऑफ स्नो के नाम पे भी जानते हैं, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंजेस ऑफ एशिया हिमालय माउंटेन रेंजेस, दे आर द हाइएस्ट इन द प्लानट एंड होम फॉर द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक्स दैट इंक्लूड कंचनगंगा, जिसको हम यहाँ पे K2 जो कि 8598 इसका हाइट है, माउंट एवरेस्ट 8848 है और नेपाल में है, और कंचनगंगा जो कि 8598 जो कि इंडिया में है। पूर्वांचल जो रेंज है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इज पैरेलल टू काराकोरम एंड लडाख रेंज, थ्री हिल रेंजेस दैट कम अंडर द पूर्वांचल रेंजेस आर पटकाई, गारो खासी, जैंटिया, लाशी हिल्स। सो देख लीजिएगा, हाईएस्ट रेनफॉल आप चेरापुंजी यानी मासिनराम में ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट पीक वहाँ पे पानगुपी इज़ द हाईएस्ट पीक है उधर, और पूर्वांचल जो कि मणिपुर विद द एलिवेशन ऑफ, ये कहाँ पर है, मेघालय में देख सकते हो आप, इसका जो हाइट है हाईएस्ट रेनफॉल जो कि चेरापुंजी में देख सकते हैं, और मासिनराम जो कि वहाँ पे मेघालय में है, और वहाँ पे एक हाईएस्ट पीक भी है उस पावनिंग पुई, और साथ में आप देख सकते हो विंध्या जियोग्राफिकली सेपरेट्स द नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द सदर्न इंडिया एज इट रन्स अक्रॉस द सेंट्रल इंडिया। विंध्या रेंज इज़ अ वेरी ओल्ड माउंटेन रेंज इज सेंट्रल इंडिया, एक्सटेंड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम वाराणसी थ्रू मध्य प्रदेश टू गुजरात। सो अगला देखिए, द सदर्न स्लोप ऑफ द रेंज आर ड्रेन्ड बाय द होली नर्मदा रिवर एंड ऑल्सो नोन एज नर्मदा वैली, जिसको हम नर्मदा वैली के नाम पे भी जाना जाता है। अमरकंटक जो कि टालेस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज कह सकते हैं, और जिसका एलिवेशन आप
1048 मीटर्स देख सकते हो, मध्य प्रदेश में है। सातपुरा जो रेंज है जो कि स्ट्रेच हुआ है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एक्सटेंड्स फ्रॉम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, सतपुरा रेंजेस जो कि यहाँ पे तप्ती एंड सैक्रेड रिवर, नर्मदा रिवर आप वहाँ से अर्जिनेट होता है और जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दोस्तों। आरावली रेंज आप जानते हैं, आरावली रेंज जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में है, अक्रॉस राजस्थान आप देख सकते हैं टू हरियाणा। द आरावली रेंज इज एरोडेड स्टब ऑफ ए रेंज ऑफ एंशंट फोल्डेड माउंटेन। आरावली रेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, आल्सो नोन एज मेवाट हिल्स के नाम पे जाना जाता है। आरावल रेंज इज़ फेमस फॉर मिनरल रिसोर्सेज एंड सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट विथ विच द फ्लोरा एंड फौना द हाईएस्ट पीक ऑफ आरावली वहाँ देख सकते हैं। द माउंटेन रेंजेस जो कि गुरु शिखर विथ वहाँ पे देखने को मिलता है और इसका जो हाइट है गुरु शिखर का 5650 फीट है जो कि माउंट अबू में देख सकते हो। और द रेंज स्टार्ट्स नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी। अबाउट 60% ऑफ सह्याद्री रेंज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। द अरेबियन सी एरिया इज नोन एज कोंकण एरिया कहते हैं उस एरिया को, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया। और अनाईमोडी जो कि अन्नामलाई हिल्स केरल में देख सकते हो, हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के अंदर इरेगुलर रेंज ऑफ माउंटेन्स विच इंक्लूड 4 मेजर रिवर्स, द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड होली, तलाकावेरी वहाँ पे देख सकते हो कावेरी। रेंज स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। द नीलगिरी हिल्स जिसको हम ब्लू माउंटेन के नाम पे भी जाना जाता है तमिलनाडु में है वहाँ पे, और इट्स अ जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कह सकते हैं। जो भी माउंटेन्स हैं आप लोग दोबारा आप देख लीजिएगा, और जितने भी माउंटेन किस किस को क्या नाम है आपको जस्ट आउटलाइन आपको पता होनी ज़रूरी है। हर चीज़ याद रखने के लिए आप पेपर्स मंगवा सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। कमांड्स देखिए आर्मी में कौन सा कमांड है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, नॉर्दर्न उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, साउथ वेस्ट जो कि जयपुर में है, ट्रेनिंग कमांड शिमला, सबसे पहला कमांडर इन चीफ जो कि जनरल के एम करियप्पा, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आर्मी को हम लोग सेक्शन के नाम पर जाना जाता है, उसके बाद प्लाटून होता है, उसके बाद कंपनी होता है। सबसे पहला लेडी गवर्नर जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया को सरोजिनी नायडू बना, जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पे पहले जाना था जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आथर्स एंड बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। आथर ऑफ द बुक द गाइड आर के नारायण, जिन्होंने मालगुडी डेज भी लिखा है। हैरी पॉटर जे के रोलिंग, और आज के टाइम पे दोस्तों हैरी पॉटर का जो हीरो है डैनियल रेडक्लिफ और स्पाइडरमैन का पीटर पार्कर। द बुक दिल्ली खुशवंत सिंह ने लिखा है। इनविजिबल मैन जो कि एच जी वेल ने लिखा है। और कामयानी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ए बेंड इन द रिवर वी एस नेपाल ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारा, ये जितने भी किताबें हैं कालिदास ने लिखा है। अग्निवेश आचार्य जो कि काजी नजरुल इस्लाम इन्होंने लिखा, सॉरी अग्निवीणा, अग्निवीणा जो है काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा है। अन्ना करेनिना जो कि टॉलस्टॉय ने लिखा है ये। आनंदमत बंकिम चंद्र चटर्जी, हिमालयन लव स्टोरी नमिता गोखले ने लिखा है। ये सूटेबल बाय विक्रम सेत ने लिखा है। आधे अधूरे मोहन राकेश ने लिखा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया जो कि नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। बाबरनामा, बाबर बिटवीन होप एंड हिस्ट्री एंड माय लाइफ जो कि बिल क्लिंटन ने लिखा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और चरित्रहीन जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। डिवाइन कॉमेडी डांटे ने लिखा है। ग्लिंसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री डांटे ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, डॉटर ऑफ ईस्ट बेनजीर भुट्टो, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ईस्ट वेस्ट किताब सलमान रशदी ने लिखा है। और इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया अशोक मेहता ने लिखा। एटर्नल इंडिया जो कि मिस इंदिरा गांधी ने लिखा है। और फॉल ऑफ स्पैरो सलीम अली ने। और फ्रीडम फ्रॉम फियर जो कि आंग सान सू क्यू जिन्होंने लिखा है। और गीतांजलि रविंद्रनाथ ठागोर, ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, गोदान और रंगभूमि जो है प्रेमचंद, और हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स जे के रॉलिंग ने लिखा है। और हर्षचरित बानभट्टा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो कि इंडियन फिलोसफी जो कि यहाँ पे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन इन किताब का कंपोज किया है। देखिएगा जो भी यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं ये हर किताब को आप एक बार नहीं तो दो बार वीडियो देख लो, पर आपको पता होना ज़रूरी है।
द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो कि सी के प्रहलाद ने लिखा है दोस्तों, ह्यूमन नॉलेज जो कि ब्रूजेल ने लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम के साथ साथ उन्होंने इंडिया 2020 भी लिखा है और इग्नाइटेड माइंड्स भी उन्होंने लिखा है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि वी डी सावरकर ने लिखा है, कामयानी अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, लाइफ डिवाइन जो कि श्री अरबिंदो ने लिखा है और अरबिंदो आश्रम आप पुदुचेरी में देख सकते हो, इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स ए पी जे अब्दुल कलाम, इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति राय ने, लास्ट डेज ऑफ नेताजी जो कि जी डी कोसला, मेन कैंप लिखने वाला हिटलर है दोस्तों अडॉल्फ हिटलर, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने, ओडिसी और होमर ने लिखा है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ओलिवर स्टोरी जो कि एरिक सहगल ने लिखा है, पद्मावती मालिक मोहम्मद जायजी ने लिखा है पद्मावती किताब, और पंचतंत्र जो स्टोरीज है विष्णु शर्मा, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया हम चंद्रशेखर को कहते हैं जो चंद्रशेखर ने लिखा है, और राजा तरंगनी कल्हना लिखा है, और रामायण आचार्य वाल्मीकि, सेटानिक वर्सेस सलमान रश्दी सहनामा फिरदौसी ने लिखा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रोजियो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय ने लिखी है, यूथोफिया जो कि सर थॉमस मोरे, वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने, वेक अप इंडिया जो कि एनी बेसेंट लिखी है, और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जिसको हम मूला शंकर के नाम पे भी जाना जाता है, तमास बीशम सानी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनटोल्ड स्टोरी जो कि जनबी कौल ने लिखा है, और यमा महादेवी वर्मा ने लिखा है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और बोरिस देख लीजिएगा, और जुल्फी माय फ्रेंड पिल्लू मोड़ी ने लिखा है, और हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउ आई प्ले गोल्फ, ये किताब टाइगर वुड्स ने लिखा है, डेज ऑफ इनोसेंस नमिता गोखले ने लिखा है, द नेम सेक झुंपा लहरी ने लिखा है, स्ट्राइट फ्रॉम द हार्ट अपनी हार्ट से जो कि कपिल देव ने लिखा है, ये हर चीज़ आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैजिक सीड्स वी एस नेपाल, ये विलेज बाय द सी अनिता देसाई ने लिखा है, और साथ में फेस्टिंग एंड फीस्टिंग भी इन्होंने लिखा है, द अलजीब्रा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस अरुंधति राय ने लिखा है, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट अरुण शौरी ने लिखा है, प्रिजनर स्क्रैप बुक एल के अद्वानी लिखा है, और द यूनिवर्स इन नटशेल जो कि स्टीफन हॉकिन लिखा है, जो कि स्टीफन हॉकिन चेयर में व्हील चेयर में बैठा रहता है, और द रोड अहेड स्पीड ऑफ थॉट ये बिल गेट्स लिखा है, और जुरासिक पार्क क्रिक्टन मेकैड देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अनिवार्य हो सकता है, डिसग्रेस इन माय ओन वर्ड्स दलाई लामा ने लिखा है, रवि पार जो कि गुलजार ने इस किताब का कंपोज किया है, ट्रेन टू पाकिस्तान द कंपनी ऑफ वुमेन ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलीज हिस्ट्री ऑफ सेक्स खुशवंत सिंह ने लिखा है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर मदर तेरेसा ने बोला है, उसने अपना किताब में लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, बिग ईगोस स्मॉल मैन जो कि राम जेठमलानी ने लिखा है, माई म्यूजिक माई लव रविशंकर ने लिखा है, लज्जा अम माई गर्लहुड फ्रेंच लवर के नाम पर जो कि तस्लिमा नसरीन ने, ये लज्जा और माई गर्लहुड फ्रेंच लवर ये तीनों किताब ये दोनों किताब इन्होंने लिखी है, और गीत नया गीत गाया नहीं गीत नया गाते चले ये जो किताब है अटल बिहारी वाजपेयी ने गीत नया गाते चले का कंपोज किया है, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है, अमर कोशा अमर सिम्हा बुद्ध चरित अश्वघोषा आचार्य और अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र जो कि चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं, चरक संहिता चरका और पृथ्वीराज रासो चांद बरदोई रत्नावली या नागनंदा आप देख सकते हो प्रियदाशिका ये जितने भी किताबें हैं हर्षवर्धना ने लिखा है और तुगलकनामा और सफ़रनामा इबन बतूता ने लिखा है, अमुक्त माल्यदा श्री कृष्ण देवराय आप जानते हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है और योग सूत्र महाभाष्य जो कि पतंजलि ने लिखा है, तारिक ई अलाई अमीर खुसरो ने, तुजुक ई बाबरी जो कि बाबर आप जानते हैं, रकात ई आलमगिरी औरंगजेब ने लिखा है, तुजिक ई जहांगिरी जहांगीर ने लिखा है, देखिएगा प्रेजेंट राइटर से लेके जो कि पहले के जितने भी राइटर्स हैं वो आपको पूरा कवर हो जा रहा है, आप लोग नज़रअंदाज ना करो,
हर चीज़ को देखने की कोशिश करो। हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम ने, जो कि सिस्टर ऑफ हुमायूं लिखी है, एन ई अकबरी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, और महाभारत वेदव्यास और मिताक्षरा विघ्नेश्वरा और कामसूत्रा न्यायसूत्रा भाषा ये सब वत्सलायना और रामचरितमानस तुलसीदास ने, और पांडुरंग महत्यम तेनाली रामकृष्ण, और सुश्रुता संहिता सुश्रुता ने लिखा है, और ये पूरा किताब का अंत हो गया। अब बात आता है फर्स्ट अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था ब्राज़ील में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में देखने को मिलता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, वियन्ना में है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि लंदन में है दोस्तों, और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। नावल जो है तमास जो कि भीष्म साहनी ने लिखा है, और नरेंद्र मोदी रिसेंटली ए बुक नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी एंडी मैरिनो ने रिसेंटली लिखा है, द ऑथर ऑफ द बुक द स्टेट ऑफ द नेशन फाली एस नरीमन ने लिखा है, जस्ट फॉर लाइफ एमिली जोला ने लिखी है, और किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ यू जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, पैसेज टू इंडिया ई एम फॉस्टर ने लिखा है, और द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय एर्नेस्ट हेमिंगवे ने, और फ्रीडम बिहाइंड बार्स रिटन बाय किरण बेडी, ऑथर ऑफ टॉम जावर मार्क ट्वेन ने लिखा है, और क्राइम एंड पनिशमेंट वॉज रिटन बाय फाइडर डॉट्स्कोई, और द बुक रामचरितमानस तुलसीदास, और द बुक द डॉटर ऑफ ईस्ट वॉज रिटन बाय, सो यहाँ पे डॉटर ऑफ ईस्ट मिस बेनेजर भुट्टो ने लिखी है, और द बंडिट क्वीन सीमा बिस्वास, ये आप लोग याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस की किताब रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, दादर ऑफ द बुक जंगल बुक जो कि सिभू ने लिखा है, गिलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट ने, और वर्शिप फॉल्स गॉड्स बुक रिटन बाय यहाँ पे अरुण शौरी ने लिखा है, और द बुक द सिटी ऑफ जॉय सलमान रश्दी ने, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स स्वामी विवेकानंद, द बुक गीता गोविंदम जयदेव ने लिखा है, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ममता बनर्जी ने, मुल्कराज आनंद जो कि कूली किताब का कंपोज किया है, शेड ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ए बुक रिटन बाय एम जे अकबर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखा है, और ऑथर ऑफ आधे अधूरे मोहन राकेश। ये जितने भी किताब है आई होप मैंने मैक्सिमम आप लोगों को कवर करने की कोशिश की है, जितना आपसे याद हो सकता है उतना याद रख लीजिएगा। और क्लासिकल डांस देखा जाए गरबा और डांडिया आप गुजरात में देख सकते हो, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश जो कि पंडित बिरजू महाराज काफ़ी फेमस है, कथकली मोहिनीअट्टम केरल में देख सकते हो, और ये कथक डांस का अच्छा डांसर है बिरजू महाराज, कुचिपुड़ी वहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे फेमस है, ओडिसी एंड चाओ ओडिशा में देख सकते हैं, लवानी महाराष्ट्र में है, सत्रिया जो है असम जो कि बिहू फेस्टिवल भी वहाँ पे फेमस है, बिहू डांस भी देख सकते हो, मणिपुर में मणिपुरी वहाँ पे, और राउफ कश्मीर में देख सकते हो, यक्षगाना कर्नाटक में देख सकते हो, बांगरा एंड गिड्डा पंजाब में है, घूमर जो कि राजस्थान में है, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन डांस के नाम पर जाना जाता है उदय शंकर, जिसको हम अब्रॉड परफॉर्मर के नाम पर भी जाना जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी पूछा जा रहा है जो भी दिया जा रहा है एक बार आप अपना दिमाग में डाल दीजिएगा, कल पूछा जाए तो आप आराम से एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। अब टर्मिनोलॉजी ऑफ द गेम, बैडमिंटन में आप लोग ड्यूस स्मैश ड्रॉप लव सब देख सकते हो, बेसबॉल के अंदर डायमंड स्ट्राइक पिचर होम पुट आउट, और बोट रेस के अंदर कॉक्स यानी कॉक्सवेन होता है और देख सकते हो जो कि डंडा होता है, बिलियर्ड्स जिगर ब्रेक पॉट क्यू देख सकते हो, बॉक्सिंग में पंच नॉकआउट अपरकट किडनी पंच ये सब देख सकते हो, क्वींसबेरी रूल भी देख सकते हो, चेस के अंदर गैम्बिट चेकमेट स्टेलमेट चेक देख सकते हो, क्रिकेट में LBW मेडन ओवर रबर एशेस फॉलो ऑन गूगली गली सिली पॉइंट ड्राइव कवर पॉइंट स्टोन वैलिंग ये सब क्रिकेट के अंदर है, फुटबॉल के अंदर ड्रिबल पेनाल्टी ऑफसाइड थ्रो इन टच फॉल ड्रॉप किक, गोल्फ में होल बोगे कैडी जो बंदा कैरी करता है उसको कैरी गोल्फ में बैग कैरी करता है उसको हम कैडी के नाम पे जाना जाता है, टी यानी जो छोटा सा डंडा होता है जिसके ऊपर बॉल रखा जाता है उसको टी कहते हैं, हॉकी में बुल्ली पेनाल्टी कॉर्नर सेंटर फॉरवर्ड गोल ड्रिबल आप देख सकते हो, और 16 यार्ड हिट भी हॉकी में देख सकते हो, हॉर्स रेसिंग के अंदर जॉकी पंटर प्लेस विन प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, कोको में रनर चेजर पोल बाय फॉल, लॉन टेनिस के अंदर वॉली स्मैश सर्विस बैक हैंड ड्राइव देख सकते हो, पोलो में चक्कर बंकर मैलेट बंडर नहीं बंकर होता है,
और राइफल शूटिंग में बुल्स हाई, मतलब एकदम टारगेट पे। वॉलीबॉल में ड्यूस, बूस्टर, लव स्पाइकर्स और रंगस्वामी कप वॉलीबॉल का यही है। रग्बी फुटबॉल में ड्रॉप किक स्क्रीन देख सकते हो, रेजलिंग में हीव हाफ नेल्सन देख सकते हो वहाँ पे, स्किंग में टोबोगैनिंग, देखिएगा टोबोगैनिंग किस में है, स्किंग में। स्विमिंग में स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, अलग अलग स्ट्रोक्स है। बेस्ट इंडियन बिलियर्ड प्लेयर्स जो कि गीत सेती है दोस्तों आज के टाइम पे, पंकज अडवाणी। फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल जो कि पद्मावती बंडोपाध्याय है। सुंदरबान इज़ फेमस फॉर टाइगर और डेल्टास के लिए फेमस है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और मैंग्रोव रिजर्व्स वहाँ पे देखने को मिलता है। वाइट टाइगर किताब लिखने वाला अरविंद अडिगा। मोहनजोदारो जो कि सिंधु भी कहते हैं, सिविलाइजेशन वॉज किस टाइप का, अर्बन सिटी, सिटी टाइप। लार्जेस्ट शुगर केन उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। गवर्नर डिसॉल्व्स अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए स्टेट, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का पावर गवर्नर के पास है। और आपको वोट चाहिए तो 18 साल होनी चाहिए, मैरिज करने के लिए 21 साल, लड़की को 18 साल। डेंगू फीवर जिसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम पे भी जाना जाता है, स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी, वो दिन में काटता है। और क्लोरोडेन एक केमिकल होता है, इज़ फुल्ली बैंड इन यूजिंग पेस्टिसाइड्स के अंदर, मना कर दिया गया है। प्रोपियोनिक इज़ द केमिकल यूज्ड फॉर रिमूविंग फंगस इन ग्रेन्स, जो कि वीट और राइस के अंदर फंगस निकालने के लिए हम लोग प्रोपियोनिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आता है कलर रेवोल्यूशन की। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन को, ब्लू फिश प्रोडक्शन को, ब्राउन लेदर एंड नॉन कन्वेंशनल जो कि कोकोवा प्रोडक्शन में, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, यहाँ पे गोल्डन फाइबर कह रहा है जूट प्रोडक्शन में जो कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और गोल्डन रेवोल्यूशन यानी फ्रूट्स एंड ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हनी प्रोडक्शन का जो गोल्डन रेवोल्यूशन कह सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट्स और हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन देख सकते हो इनके अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हॉर्टिकल्चर यानी प्लांट्स का प्रोडक्शन है। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन जो कि प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बैम्बू के बारे में, ग्रे रेवोल्यूशन यानी फर्टिलाइजर्स का कंसर्निंग, पिंक जो कि आनियन होता है और प्रॉन्स भी देख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल और प्रॉन प्रोडक्शन, पिंक रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन जो कि मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन होता है, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए होता है, और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो कि कॉटन के लिए होता है, और सिल्वर रेवोल्यूशन यानी जो कि एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन में आप सिल्वर रेवोल्यूशन देख सकते हैं। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सा रेवोल्यूशन क्या है, आप एक बार नहीं तो दो बार देख लो वीडियो, लेकिन ज़रूर देख लेना। जो कि वाइट रेवोल्यूशन जो कि हम ऑपरेशन फ्लड के नाम पे भी जाना जाता है, और दूध के लिए, डायरी प्रोडक्शन के लिए। और येलो रेवोल्यूशन जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए होता है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल के लिए होता है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए होता है। फादर ऑफ रेवोल्यूशन देखा जाए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आप MS स्वामीनाथन को कहते हैं, और नॉर्मन बोरलॉग जो कि वर्ल्ड के अंदर देख सकते हो, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जाना जाता है इंडिया में, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो कि वर्गीस कुरियन है, जो कि जिसको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाता है। और फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन जो कि डॉक्टर अरुण कृष्णन को बोलते हैं। फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पाटिल को जाना जाते हैं। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन निरपक तुजाज। फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन विशाल तिवारी। फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन जो कि इंदिरा गांधी को हम कहते हैं। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग, जो कि वर्ल्ड में, इंडिया में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब्रिविएशन देखा जाए, कुछ अब्रिविएशन आप याद रखिएगा। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स फैक्सीमेल होता है, और ये यानी कॉपी होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है जो कि सिम होता है अपना मोबाइल में। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि USA में है, इंडिया में इसरो है। RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, टेलीफोन एक्सचेंज, CBSE, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और देखिए MSS मोबाइल सैटेलाइट सिग्नलिंग सिस्टम, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग,
केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनएन केबल न्यूज़ नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। वैन यानी वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है, एचडीएमआई केबल जानते हैं ना, टीवी के पीछे कनेक्ट करते हैं। और मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड एमिशन डायोड होता है। और बीसीजी वैक्सीन आप जानते हैं, बैसिली कैलमेटी गुरियन, जो कि ट्यूबी का एंटी वैक्सीन है दोस्तों। सीडीएम यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, एलिजा टेस्ट जो कि एड्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। अगला देखिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गैट यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मॉडवेट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये सब याद रखिएगा। आई होप एवरीथिंग आप लोगों को ईजी हो रहा होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, और मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉल करके मंगवा सकते हैं। IRDA यानी इंसर्जेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, मेजर यानी माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। निमांस यानी एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जो कि बेंगलुरु में है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, जो कि एलियंस वगैरह आते हैं इन्हीं UFO के अंदर से आते हैं। और WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि हम लोग वहाँ पर रेड पांडा एक देखा जाता है, पांडा को देखा जाता है सिंबल वाइट पांडा। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स होता है। LGBT यानी लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर होता है, LGBT रिसेंटली उस आर्टिकल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए LGBT जो परमिशन दिया है। SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का ये है, ISDN यानी इंटेग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क होता है, RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, GIS क्या होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, JDBS जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, OTBC क्या होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मॉडवेट यानी एक्साइज ड्यूटी के लिए हम लोग मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, AIIMS क्या होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि पुलिस में कंप्लेंट देखा जाता है। रिलीजियस एंड होली बुक्स एंड टेम्पल्स देखा जाए, हिंदूज का भगवद्गीता होता है सबसे रिलीजियस सेक्रेट बुक, और वहाँ पे दर्शना और उपनिषद्स अलग अलग है जो कि उपनिषद टेम्पल में हम लोग जाके प्रे करते हैं। क्रिश्चियनिटी होली बाइबल होता है, चर्च में जाके वो लोग प्रे करते हैं, वो लोग बर्थ ऑफ जीसस जो कि जेरूसलम में आप देख सकते हो। अगला देखा जाए सिखिज्म का गुरु ग्रंथ साहिब, उनका सेक्रेट किताब है और वो गुरुद्वारा में जाके प्रे करते हैं, आदि ग्रंथ वहाँ पे देख सकते हो। बुद्धिज़्म का त्रिपिटकास होते हैं, और मुस्लिम लोग देखा जाए इस्लाम को प्रे करते हैं, और होली कुरान है उनका, और मस्जिद मास्क में जाते हैं। और जुडाइज़्म जो कि तौरा एंड तलमुद इनका जो भी है, और जविश टेम्पल में जाके प्रे करते हैं, तौरा एंड तलमुद इनका किताब है सेक्रेट बुक। बहाइज़्म जो कि किताब अकदास जो कि बहाइज टेम्पल मैंने खुद जाकर विज़िट किया है, न्यू दिल्ली के अंदर है, जिसको हम लोटस टेम्पल के नाम पे जाना जाता है, उनका जो किताब है किताबी अकदास। अगला देखिए जैनिज़्म का आगमास होते हैं, जैन लोगों का जो भी आगमास उनका सेक्रेट होते हैं किताबें, और ये जैन टेम्पल में जाके प्रे करते हैं। शिंटोइज़्म का कोजिकी और पारजीस का जंड अवेस्टा होता है, वो फायर टेम्पल में जाके प्रे करते हैं। बस ये कुछ हम लोग मैक्सिमम डिस्कस किया है। अब अगला जो है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो भी टेम्पल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमने जितने भी डिस्कस किया है आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। अगला जो पार्ट में हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, जितने भी हम टेम्पल्स हैं हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये सब लिख रहे हो तो इसका टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे मटेरियल चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको मटेरियल भेज देंगे बाय पोस्ट। जितने मैक्सिमम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, चाहे वन लाइनर्स हो, चाहे जितने भी
हम लोग इकट्ठा किए हैं पिछले 2 साल से, मैंने इकट्ठा किया अलग अलग किताबों से, यूट्यूब से, हम आपको बाई पोस्ट में भेजेंगे और आपका जल्द से जल्द प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप एक किताब खरीदने के बजाय मार्केट में हम लोग 10-15 किताबों को एक साथ इकट्ठा करके फ़िल्टर करके हमने बनाया गया है।